अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैंने आज कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट रिक्रूट किए। आज हम उनसे जानेंगे उनका एक्सपीरियंस, क्योंकि वीडियो का थीम ही उनके ऊपर है कि फर्स्ट ईयर उनका किस तरह गुजरा है। तो पहले मेरे साथ है, इनका इंस्टाग्राम हैंडल आप जानते ही होंगे, फादीग्राम फाद मलिक पूरा नाम है इनका। 69 का आज हुआ है ब्लॉक सी का पेपर, जो सबसे लेंथी हुआ है। थोड़ा उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इनमें से स्नैक कौन ये सबसे बड़ा स्नैक हमारे लिए। मैं पढ़ता हूँ, लेकिन सबको बता के पढ़ता हूँ, और इन्हें भी एडवाइस करता हूँ कि आप लोग भी पढ़े लिखे, ये पढ़ते नहीं हैं। ये क्या करते पहले, ये एक घंटे पहले ये बताया नहीं जा सकता क्या। एक रात पहले जो पढ़ता है ना, वो बस रफीजी को पता। और फादीग्राम से मेरा एक क्वेश्चन है कि अयूब में डायनासोर तक आ गए, लेकिन हम जो रोनाल्डो के इतने बड़े फैन हैं, रोनाल्डो को इंट्रोड्यूस कब करना? रोनाल्डो भी आ जाएगा कल। अब्दुल्ला नदीम भाई ने बोला था, उसने जो है वो गिला किया कि बनी और उसको नहीं ले गए। तो फिर रातों रात मेरा ब्लॉक एग्जाम भी था, लेकिन उनके खफा नहीं कर सकते किसी तरह, तो एडिट भी किया। रोनाल्डो भी इंशाल्लाह आएगा, मेसी भी आएगा। और जो गुनगुनाना चाहेंगे तला नबी, जिसके बाद ये सिंगिंग करते थे, इसके बाद आप लाजमी सुनो। अभी मुझे बताओ यार, फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? किस फर्स्ट ईयर अच्छी थी, शुरू में ज़रा स्लो थी क्योंकि अकेला था मैं, बहुत शोस नहीं मिले। फ्रेंड्स और एवर वाला ग्रुप तो नहीं बना? नहीं बना था, मतलब इनिशियली आपकी रूममेट्स वगैरह के साथ होती है इंटरेक्शन, और उन्हीं को आपको लगता है दोस्त, मतलब वाइफ भी नहीं मैच कर रही, थोड़ा इतना मज़ा नहीं आ रहा था, लग रहा था पढ़ाई है और कॉलेज जाना है, क्लासेस देनी है वापस। लेकिन फिर मुझे गजनी मिल गया, मटका बॉयज फॉर्म हो गए, और फिर तो टाइम ऐसे गुजरा कि पता ही नहीं लगा कि फर्स्ट ईयर कब आई और कब गई। अच्छा, कोई मेमोरी किसी रूममेट की? मेमोरीज तो इतनी ज़्यादा है कि बता भी नहीं सकते। तला के साथ मेरी पहली इंटरेक्शन तब हुई थी ना, कि रमज़ान में आया था तला मेरे रूम, और बंदा काफ़ी गुस्से में था ना, और पहली बात इसने मुझे की है कि मेरे रूममेट के साथ लड़ाई होगी और मैं रूम अपने नहीं जा सकता, तो जगह चाहिए मुझे थोड़ी। तो ठीक है, फिर इसके साथ मैं शाम तक था, बातचीत हुई थोड़ी, फवाद से ऑलरेडी मैं मिल चुका था क्योंकि ये क्लास में पीछे था, तो पहले हमारी दोस्ती भी थी, फिर तला एक हफ्ते बाद भी ग्रुप में आ गया था, तो फिर बस वहीं से हमारा जाना वो सफर था। शुक्र है गजनी, भूला नहीं है कि तू दोस्त है इसका। गजनी था पहले से इस ग्रुप में, नहीं, इट वाज आई एम द लीडर, फर्स्ट फ्रेंड, और ही वाज लाइक बीइंग ओवर स्मार्ट, जो पहले दिन से था पीछे मेरे बैठा था, मैं साथ वाले से कोई क्वेश्चन पूछा था, इसने पीछे से इंटरप्ट किया, मैं की शक्ल देख रहा था, मैंने कहा ये है कौन ना वो। ये सीन होता कि हमारे सीनियर भाईजान ने हमें इस तरह बुलाया था, कोई कैंपेन थी, मेडिकल वो सेटअप हमने करवाना था, तो मैंने उनका रिप्लाई नहीं दिया था, मैंने फ़ोन ज़रा नहीं चाहिए तो मैं भाईजान का नाम तो मेंशन करना है, भाईजान को मेंशन, अवेश भाई, अवेश भाईजान, अवेश भाईजान मुझे मैसेज करते हैं, कहते हैं कि यार ज़रा रूम आओ, कुछ ज़रूरी काम है, तो मैंने उनको कहा कि यार आ जाओ, तो वो भी काफ़ी लेट हो गया था ना। अच्छा, आई थिंक दूसरे दिन फिर मैं गया हूँ, अब मैं जैसे मैं इंटर हूँ, वो भैया मुझे कहते हैं यार फवाज ये नोटबुक ज़रा लेना, मैंने कहा काम होगा, कहते हैं ज़रा ऑटोग्राफ, मैं बड़ा इंप्रेस हो गया, मैंने कहा वाकई में तो मशहूर हूँ, मतलब कि सीनियर भैया मुझसे ऑटोग्राफ मांगे, लेकिन उसके पीछे जो कहानी फिर थी ना, वो बस आप ना ही जाने तो बेहतर है, क्योंकि उसके बाद मेरी इंसल्ट हुई थी इस बात पर, तो ये मेरा एक आपसे एक सजेशन है कि कभी भी सीनियर के मैसेजेस को अनसीन पे ना छोड़ना। उस दिन हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था द रूम ऑफ लेजेंड्स, द माइटी 389, पराठे खा रहे थे ना, और अभी मुझे याद है भाई का मैसेज आया ना, फवाज ने देखा है तो उसके हाथ में, मैंने छोड़ो बाद में रिप्लाई दे दीजिए, ये तो इसे नहीं पता, इसे इसको कुछ और बताया था उसके बाद, इसे बाद रात को 389 पे आना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, अब तो इंशाल्लाह रोज, अब तो आराम से। और 389 में जो हमारी क्रिएटिव ब्रैगिंग हुई थी, मैं और फवाज तराना गा रहे थे, और फादीग्राम ब्रेक डाल, फर्स्ट टाइम मैंने ब्रेक, जमीन शॉट, एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम जमीन शॉट, अच्छा ना चाहेंगे और बात करना चाहूंगा। शुरू में जब वहाँ आए थे हम ना अयूब, तो यही सुना था कि अयूब में रैगिंग बहुत सख्त होती है ना, और सीनियर ने भी कहा था कि जो जिनके साथ आपकी जो आपकी रैगिंग करेंगे ना, तो वो आपके अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे, मैंने कैसी टोपियाँ घर आ रहे क्या क्योंकि। तो फिर यही हुआ कि मतलब जिन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा रैगिंग जिन्होंने हमारी की ना, अभी सबसे ज़्यादा इंट्रेक्शन हमारी उनके साथ है, सबसे अच्छे दोस्त हमारे वो हैं, और कोई भी काम होता है, कोई मसला होता है, सबसे पहले वही माइंड में आते हैं कि हम उनको बोल सकते हैं, और मतलब एक अंडरस्टैंडिंग सी बन जाती है, मतलब आप एक टाइम आता है फेड अप हो जाते हो सारे कि यार पढ़ाई है ये है वो है, और आप कहते हो घर जाओ, लेकिन घर जाते हो तो हमेशा दो तीन दिन बाद आप कहते हो वापस हॉस्टल जाओ, वापस वही जुटिया पे करो, वापस वही दोस्त है, वही
इसी खुशी में कुछ गुनगुनाओ जरा। क्या गुनगुनाओ आप लोग अपने दोस्तों के लिए? कोई ऐसा अच्छा गाना जो अभी सुबह कौन सा ये तो सपोर्ट करेंगे गाना तो मैं पर वो मेडिकल कैंप जाते हुए गाड़ी में ये बात। चल 3 2 1 गो। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे घर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है। नहीं मुझे ये बताओ कि उसके बाद गाना की जो है PPWO पे इसने स्टार्ट लिया उसके बाद मैंने शिमला में गाया था जिसमें मेरे साथ लको सिंगर चुप हो गया था मैं भी चुप हो गया बड़ी एंबैरेसमेंट उसके बाद बड़ी बेइज्जती फील हुई तो उस दिन से उसके बाद नाइट नोट ने गाना छोड़ दिया। फवाद ने लिखा फवाद एक बहुत अच्छा गाना गाते हैं नवाज़िश कर उसकी तो हम पैरोडी करते फवाद गाता है। अच्छा ये मतलब यार ये एक लाइन मैं उसी गलती से निकली थी गजनी से लिरिक्स नहीं भूलती जल्दी करो शाबाश टाइम खत्म हो रहा है। सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियां अभी मेरा टोन थोड़ा नहीं किया था अभी चला इतनी बुरी तो नहीं। चलो यार मजा आया है बात करके वो अपने उससे जज करता है तो अच्छा एक सजेशन 89th नोट के यू में आके अगर आपने सही सही टाइम गुजारना है और आपने एक नाम बनाना है सो बी अ सख्त लौंडा दैट्स माय सजेशन सख्त लौंडा फॉर द। चलो अब एक क्वेश्चन है एंड को करने से समराइज योर फर्स्ट ईयर इन अ सिंगल वर्ड और इन अ सेंटेंस। मतलब इट वाज एक्साइटिंग एंड स्पोंटेनियस। मतलब एक दिन आपको ब्लॉक की टेंशन है अगले दिन आप शिमला ईद पे जा रहे हो एक दिन आप गाने गा रहे हो तो अगले दिन आप घर जाना चाह रहे हो मतलब बिल्कुल हर मतलब एक तो एक्साइटिंग है हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है exactly. मतलब कोई भी महीना ऐसा नहीं होगा जिसमें आप पूरे महीने पढ़ी रहे हो पढ़ाई तो कोई करता इसी भी कम नहीं है लेकिन यही स्टेटमेंट है ना कि मेडिकल स्कूल लाइफ इज एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल। एक टाइम पे आप प्लान करते हैं कि हमने पढ़ना है एंड दूसरे टाइम यू आर इन एप्टाबाद हाइट्स जब हमारी वेलकम पार्टी आ रही थी तो उसके एक हफ्ते बाद हमारा ब्लॉक एग्जाम भी था तो मुझे सीनियर ये थे कि ब्लॉक साल में 3 दफ़ा आते हैं वेलकम पार्टी एक ही दफ़ा आती है सो वी आर स्ट्रेसिंग एंड ऑल्सो हम लोग तैयारी भी कर रहे थे अपने 3 पीस वगैरह भी हम ब्राइकिंग करवा रहे थे सो इट वॉज फन रैगिंग का भी मजा आया याद आते हैं वो टाइम के आगे कभी हमारी रैगिंग नहीं होगी और वो टाइम काफ़ी अच्छा। चलो अभी रैगिंग करने के टाइम आ रहे हैं आप लोग रैगिंग करके बेस्ट ऑफ लक यार चले थैंक यू थैंक यू सो मच। Well, nice to meet you. So, हमारे साथ गर्ल्स की साइड से BDS के स्टूडेंट्स हैं ये हमारे साथ डेंटल डायरी नाम अनफाल कैसे और सना जी सना और ये इनका इंस्टाग्राम हैंडल है इट्स बी बरीरा। तो इन शॉर्ट मैं करना चाहूँगा क्योंकि बारिश भी हो रही है तो वन बाई वन आप बताएँ आपके एक्सपीरियंस फर्स्ट ईयर एज ए बी डी एस का सारा क्योंकि उनका थोड़ा अलग होता है सिस्टम यहाँ पे सिस्टम। तो बी डी एस और के हवाले से अगर मैं बोलूँ तो हमारी चूँकि एज ऑल ऑफ यू नो कि स्ट्रेंथ जो है वो ज़रा कम होती है तो उसका मुझे बेनिफिट ये लगा और ये मैंने फील किया कि हम टीचर से जो है वो ईजिली इंट्रैक्ट कर सकते हैं और टीचर से इंट्रैक्शन करते हुए जो क्लास में आप जो आपकी फीलिंग होती है या जो आप क्लास को समझ सकते हो या जो आप इंजॉय करते हो मेरा नहीं ख्याल कि वो मतलब टीचर से इंट्रैक्शन के बगैर हो सकता है। सो इसमें हम लोगों को जो है हम लोग काफ़ी दफ़ा जो है वो फ़नी मोमेंट मिस ले जाते हैं लाइक फॉर एग्जांपल अगर प्रोग्रेस लगाते हैं तो MBBS वाले अब कहाँ वो 250s या 270s की जो है प्रोग्रेस चेक करेंगे मैम ठीक है लेकिन हमारा ये सीन होता है कि हम लोग क्लास की स्टैंड जो है वो इस वक्त 57 तक की तो हम अक्सर प्रोग्रेस मार्क कर देते हैं लाइक 90 तक मार्क कर देते हैं 91 92 तो एकदम मैम को समझ आ जाती है कि नहीं भाई ये नहीं है तो वो क्लास में काफ़ी जॉली सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाते हैं और आई थिंक ये मतलब आई लाइक द इंट्रैक्शन बेनिफिट आई है
स्टूडेंट कम ऑन मुझे हाँ मुझे ये अच्छा लगता है कि स्टूडेंट कम है तो आई थिंक इट्स अ बेटर वे. और उसके बाद ये कि पढ़ाई भी आप ज़्यादा ईजी कर सकते हो मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज टीचर्स जो है ना वो आपसे इंटरेक्ट करते हैं, आपसे पूछ होते हैं, डिमांड करते हैं आपको माई नेम जानते हैं, तो फिर आप उस वजह से भी थोड़ा सा स्टडीज से ठीक रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम फंड जिस तरह अनफाल ने बताया कि आपकी स्टडीज जो है ना वहाँ पर इफेक्ट आउट या लैग आउट कर जाती है, जहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और टीचर एक क्लास में 250 या 280 लोगों को एट अ टाइम पढ़ा रहे होते हैं, अगर हम लोग BDS की बात करें तो उसी तरह वो एट अ टाइम 50 स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है, तो उसमें उनका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, वो एक एक के मसले एक एक के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकती है. तो अपार्ट फ्रॉम फन हमारी स्टडीज़ उस लिहाज से MBBS के लिहाज से कंपैरेटिवली मुझे ये लगता है कि जो है हम लोग के प्रॉब्लम्स जल्दी सॉर्ट आउट हो जाते हैं या हम लोग के जो क्वेश्चन होते हैं वो जल्दी आंसर आउट होते हैं. चीज़ मुझे भी बेनिफिट करती है, मतलब मैं कहती हूँ कि मैं भी यूज चाहती हूँ टीचर, अब मुझे ज़्यादा इस तरह समझ नहीं आती, ज़्यादा टीचर जैसे लेक्चर दे रहा होता है MBBS की क्लास में वैसे मुझे समझ नहीं आती, और अब खुद नहीं आती समझ, मतलब टीचर व्हाट दे डू दे कम एंड दे जस्ट रीड द स्लाइड्स. ठीक है, और इसमें मतलब इंट्रैक्शन भी होता है. और ऑल एएमसी में जो फर्स्ट ईयर गुजरा है अच्छा गुजरा है या मेरा फर्स्ट ईयर जो है वो बहुत अच्छा गुजरा है. लाइक मैंने जब आपने भी बोला तो मैंने मुझे अक्सर लोगों ने कहा कि हमारा जो फर्स्ट ईयर था वो रोलर कोस्टर की तरह था, लाइक देवर अप्स एंड एज वेल एज देवर डाउन्स, बट मेरी ये जो फर्स्ट ईयर था इट वॉज फुल ऑफ फन, मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इंटरटेन किया, मैंने साथ जो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया, मुझे लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला एंड इट वॉज लाइक वेरी फ्रूटफुल. और जो मैंने एक चीज़ सीखी मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये है कि आपके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी रेड लाइट्स और येलो लाइट्स लाइक अपनी लिमिट सेट करें और आप उसको किसी को क्रॉस ना करने दें. अगर लाइक इफ देयर इज समवन हु कैन डू दिस आई गिव अ ग्रेट शॉट आउट टू हिम और हर, लाइक दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर मी. मैंने आपने तो अपना फर्स्ट ईयर सारा सरप्राइज कर दिया, अभी आप करना चाहें ऑब्वियसली लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हर जगह आते हैं, ये बात नहीं है कि जो है सिर्फ आप एक ईयर स्टार्ट करें, किसी भी फील्ड में आप एक ईयर स्टार्ट करें और वो एट द एंड डिग्री कंप्लीट होने तक आपके पास सिर्फ अच्छी मेमोरीज होती हैं, बुरी मेमोरीज भी होती हैं, बट इंसान वो है ना जो अच्छी चीज़ों को कंटिन्यू रखे और बुरी चीज़ों से सबक हासिल करे. फॉर मी ऑब्वियसली बींग अ हॉस्टलाइट कुछ जगहों पर अप्स थे कुछ जगहों पर डाउन्स थे, बट आई फिगर्ड आउट के अपनी ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों को कंटिन्यू रखना चाहिए और बुरी चीज़ों से सबक हासिल करके आने वाली ज़िंदगी के लिए ना उसको जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए. काफ़ी एक्सपीरियंस आपका? हाँ एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस स्टार्ट में अच्छा नहीं था, मतलब मैं को हार्ट से मेरी शिफ्टिंग हुई, फिर मर्दान में हुई और फिर जब मैं यहाँ पे आई मैं थोड़ी तंग होती थी, रोती भी थी लिटरली घर जाकर रोती थी कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ. वैसे मुझे शौक था यहाँ पे आने का लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट नहीं पता था, बट फिर वक्त के साथ साथ मुझे यहाँ पर अच्छी तरह समझ भी आने लगी सब कुछ और अच्छा भी लगता है अब, काफ़ी अच्छा है. और एक चीज़ मैं बताती हूँ कि स्टार्ट में मुझे बोला था कि फ्रेंड्स ने बोला था कि ट्रस्ट नहीं करना इतनी जल्दी किसी पे, तो ये चीज़ है कि मैंने बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लिया था और ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी पे. एक्सपीरियंसेस तो इंसान हर एज में एज ग्रुप में डजंट डिपेंड कि आप बच्चे हैं आप बड़े हैं, आप किसी भी एज ग्रुप में होते हैं आपको एक्सपीरियंसेस मिल रहते हैं इंसान से. और मेडिकल में आके मैंने जो सबसे बड़ा लेसन सीखा है वो ये है कि ट्रस्ट किसी पर बहुत जरूरी है. ये मैसेज भी हो गया, विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके सेकंड ईयर के लिए और आपके साथ प्रोफ के लिए आपका ब्लॉग भी तो रहता है उसके. चलो सही. हाँ तो काफ़ी ब्रीफ सा वीडियो बनी है क्योंकि हमेशा मेरी कोशिश होती है वीडियो शॉर्ट हो और थोड़ा फनी हो ना, तो इसलिए वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा यहीं पर ही. इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में और लाइक सब्सक्राइब और शेयर सपोर्ट करते रहिएगा, अपना प्यार बांटते रहें हमारे साथ भी. इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.